मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। बच्चों, आज सप्लीमेंट्री में लेसन नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, द स्वान एंड द प्रिंस। ये सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 1 आपका पहले कंप्लीट करा दिया गया था। आज शुरू करने वाले हैं द स्वान एंड द प्रिंस, हंस और राजकुमार। हंस और राजकुमार, बच्चों ये एक कहानी है और शिक्षाप्रद कहानी है, इसलिए आपको ये पढ़नी और इस पर जो है ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इस कहानी के कौन कौन से पात्र हैं, सबसे पहले उनका परिचय आप करेंगे। शुरू करते हैं। सुदोधन, द किंग ऑफ कपिलवास्तु, कपिलवास्तु के राजा, ठीक है, जिसका नाम सुदोधन। सुदोधन कपिलवस्तु के राजा। सिद्धार्थ, द प्रिंस ऑफ कपिलवास्तु, कपिलवस्तु जो शहर है उसके राजकुमार, कपिलवस्तु के राजकुमार जिसका नाम क्या था, सिद्धार्थ, कपिलवस्तु के राजकुमार। देवदत्त, सिद्धार्थ कजन, सिद्धार्थ के चचेरा भाई। देवदत्त कौन है, सिद्धार्थ का चचेरा भाई। इसके अतिरिक्त द चीफ मिनिस्टर एंड 4 अदर मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री और राजा के 4 दूसरे मंत्री, राजा के 4 दूसरे मंत्री, द डोर कीपर और दरबार, ठीक है बच्चों। ये सभी लोग इस कहानी के अंदर जो हैं पार्ट प्ले करने वाले हैं, इसलिए इनके बारे में समझना हमें बेहद ज़रूरी है। कौन कौन है एक बार फिर समझ लें। सुदोधन द किंग ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु शहर के राजा। सिद्धार्थ द प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के राजकुमार। देवदत्त, सिद्धार्थ कजन, सिद्धार्थ का चचेरा भाई। द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एंड 4 अदर मिनिस्टर ऑफ द किंग, और राजा के अन्य 4 मंत्री, द डोर कीपर और दरबार, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं। किंग सिद्धार्थ इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, राजा सिद्धार्थ, दोबारा देखिए, किंग सुदोधन इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, राजा सुदोधन अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हिज मिनिस्टर्स आर सिटिंग अराउंड हिम, उसके मंत्री चारों तरफ, उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं, उनके मंत्री उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं। द चीफ मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग टू हिम, मुख्यमंत्री उनसे कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री उनसे कुछ कह रहा है। जस्ट देन, ठीक तभी, द डोर कीपर दरबान एंटर्स, प्रवेश करता है, एंड बोज टू द किंग, और राजा का हाथ सिर झुकाकर अभिवादन करता है। ठीक तभी दरबान प्रवेश करता है और राजा का सिर झुकाकर अभिवादन करता है। डोर कीपर, लॉन्ग लिव द किंग, राजा लंबे समय तक जियो। सर, श्रीमान, प्रिंस देवदत्त वांट्स टू कम इन, राजा प्रिंस देवदत्त वांट्स टू कम इन, राजकुमार देवदत्त अंदर आना चाहते हैं। किंग, राजा, ब्रिंग हिम इन, उन्हें अंदर ले आओ, उन्हें अंदर ले आओ। द डोर कीपर बोज एंड गोज आउट, दरबान से झुकाकर अभिवादन करता है, एंड गोज आउट, और बाहर चला जाता है। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, आई वंडर व्हाई प्रिंस देवदत्त वांट्स टू सी द किंग एट दिस टाइम, मुझे बहुत आश्चर्य है कि इस समय राजकुमार देवदत्त राजा से क्यों मिलना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री सोच रहा है अपने मन में। चीफ मिनिस्टर, आई वंडर व्हाई प्रिंस देवदत्त वांट्स टू सी द किंग एट द टाइम, मुख्यमंत्री सोचता है कि मुझे बहुत आश्चर्य है कि राजकुमार देवदत्त इस समय राजा से क्यों मिलना चाहते हैं। सेकंड मिनिस्टर, दूसरा मंत्री, परहैप्स शायद, ही वांट्स टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन, वह हम में से किसी की शिकायत करना चाहते हों, शायद वह हम में से किसी की शिकायत करना चाहते हों। द डोर कीपर एंटर्स विद देवदत्त, दरबान देवदत्त के साथ प्रवेश करता है। बोथ ऑफ देम बो टू द किंग, वे दोनों सिर झुकाकर राजा का अभिवादन करते हैं, ये दोनों सिर झुकाकर राजा का अभिवादन करते हैं। किंग, राजा, व्हाट इज इट, क्या बात है देवदत्त क्या बात है, व्हाई हैव यू कम टू मी एट दिस टाइम, तुम इसी समय मुझसे क्यों मिलना चाहते हो।
तुम इसी समय मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? दे द सर श्रीमान, द प्रिंस विल नॉट गिव मी माई स्वान। श्रीमान, राजकुमार ने मुझसे मेरा हंस ले लिया है। आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू, मैं तुमसे न्याय चाहता हूँ, या मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। किंग, राजा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बी क्लैम, देवदत्त, है सिद्धार्थ टेकन योर स्वान फ्रॉम यू। स्माइलिंग, धीरे से मुस्कुराते हुए। देवदत्त, है सिद्धार्थ टेकन योर स्वान फ्रॉम यू, क्या सिद्धार्थ ने तुमसे तुम्हारा हंस ले लिया था? देवदत्त, यस, हाँ सर श्रीमान, ही हैज, उसने ले लिया था। हाँ श्रीमान, उसने हंस ले लिया था। आई शॉट इट, मैंने उसको मारा था। एंड इट फॉल ऑन द ग्राउंड नियर द प्रिंस, और वह राजकुमार के पास जमीन पर नीचे गिर पड़ा था। ही पिक्ड इट अप, उसने उसको ऊपर उठाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड नॉट गिव इट टू मी, वह उसको मुझे नहीं देगा। बच्चों दोबारा समझ लीजिए। देवदत्त, यस, हाँ सर श्रीमान, ही हैज, उसने लिया था। आई शॉट इट, मैंने उसको मारा था। एंड इट फॉल ऑन द ग्राउंड नियर द प्रिंस, और वह जमीन पर राजकुमार के पास गिर पड़ा था। ही पिक्ड इट अप, उसने उसको ऊपर उठाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड नॉट गिव इट टू मी, वह अब मुझे उसको नहीं देगा। किंग, राजा, दैट इज़ वेरी नोटी ऑफ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत शरारती है। राजा ने कहा, किंग, दैट इज़ वेरी नोटी ऑफ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत शरारती है। टू द डोर कीपर, दरबान की तरफ इशारा करते हुए। गो, जाओ। एंड कॉल हिम, और उसको बुलाकर लाओ। द डोर कीपर गोज एंड गोज आउट। दरबान सिर झुकाकर अभिवादन करता है। एंड गोज आउट, और बाहर चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। थर्ड मिनिस्टर, तीसरा मंत्री। सॉफ्टली टू द फोर्थ मिनिस्टर, चौथे मंत्री से धीरे धीरे बात करते हुए। द प्रिंस इज ए गुड लैड, राजकुमार एक अच्छा लड़का है। ही कैन नॉट डू ए थिंग दैट इज रॉन्ग, वह कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो गलत हो। फोर्थ मिनिस्टर, चौथा मंत्री। आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारी बातों से रजाबंद हूँ। द डोर कीपर एंटर्स विद प्रिंस सिद्धार्थ, दरबान प्रवेश करता है राजकुमार सिद्धार्थ के साथ। हु हैज ए वाइट स्वान इन हिज आर, जो अपनी बाहों में या भुजाओं में एक सफ़ेद हंस को लिए हुए हैं। सिद्धार्थ बोज टू द किंग, सिद्धार्थ भी सिर झुकाकर राजा का अभिवादन करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पेज। किंग, राजा, सिद्धार्थ, देवदत्त सेज दैट यू हैव टेकन हिज स्वान, इज दैट द स्वान विच यू टूक फ्रॉम हिम? सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है कि यू हैव टेकन हिज स्वान, तुमने उसका हंस ले लिया है। इज दैट द स्वान विच यू टूक फ्रॉम हिम, क्या इस हंस को तुमने उससे लिया है? दोबारा समझिए, इज दैट द स्वान विच यू टूक फ्रॉम हिम,
क्या तुमने इस हंस को उससे लिया है? सिद्धार्थ, योर हाइनेस महाराज, देवदत्त हैज कंप्लेंट अबाउट दिस वन, देवदत्त ने इस हंस के बारे में शिकायत की है। बट लेकिन इट इज़ नॉट हिज वन, यह उसका हंस नहीं है, इट इज़ माइन, यह है मेरा है। दोबारा समझिए, सिद्धार्थ, योर हाइनेस महाराज, देवदत्त हैज कंप्लेंट अबाउट दिस वन, देवदत्त ने इस हंस के बारे में शिकायत की है। बट लेकिन इट इज़ नॉट हिज स्वान, लेकिन यह हंस उसका नहीं है, इट इज़ माइन, यह मेरा है, यह हंस मेरा है। बच्चों, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा, इसकी आप हिंदी पढ़ें और रफ कॉपी पर लिख करके इसको साथ साथ देखें। जब इसकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चों आपको जो है फिर कंप्लीट फेयर वर्क इसका दिया जाएगा। किंतु इतने आप जो हैं, जितनी आपको पढ़ाई जाती है उतनी को आप जो हैं वीडियो के माध्यम से लिखते रहेंगे और उसको याद करते रहेंगे। थैंक यू।